नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। बघेली कलाकार अविनाश तिवारी के ऊपर आरोप लगाकर कुछ लोगों के द्वारा बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक ऑडियो जो पहले वायरल हुआ था उसमें दोनों पक्षों से गाली गलौज की गई थी। गाली किन परिस्थितियों में दी गई इसकी जानकारी तो नहीं हो पाई, और जो ऑडियो वायरल किया गया है उसमें ऐसा लग रहा था कि ऑडियो का कुछ अंश काट कर वायरल किया गया है, जिसके बाद शिकायत करने वाली युवती के खिलाफ एक और व्यक्ति पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया और उसने बताया कि उसकी पत्नी को भगाने में उस युवती का हाथ है, जो घर से गहने और जेवर लेकर चली गई है। इसके बाद अविनाश तिवारी की सहयोगी कलाकार फेसबुक पर लाइव आई और हो रही गाली गलौज और वाद विवाद को लेकर सफाई भी दी। यह सब चलता रहता है, आप सब ठीक है। इसके बाद एक फिर ऑडियो वायरल हुआ जो अभिषेक नाम के व्यक्ति का बताया जाता है, जो तस्वीर फोटोग्राफी के स्टूडियो का मैनेजर तो कभी कश्मीर फोटोग्राफी का मालिक बताता है। उसने फोन करके अविनाश तिवारी के टीम के कान्हा मिश्रा को जमकर गाली गलौज देते हुए देख लेने तक की धमकी दी। जिस तरह से बघेली कलाकार अविनाश तिवारी पूरे विंध्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ख्याति पाए हैं, उसी तरह से कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं और टीम के ही कभी सदस्य रहे लोगों ने उन पर अब साजिश रचना शुरू कर दिया है। अगर समय रहते पुलिस उक्त वायरल हो रहे ऑडियो और विवाद पर लगाम नहीं लगाती और जांच कर कड़ी कार्रवाई नहीं करती तो ये विवाद आगे और बढ़ सकता है। जिस तरह से गाली गलौज करते हुए धमकियां दी जा रही हैं उससे यह तो नहीं लगता कि बघेली कलाकार को आगे कोई खतरा नहीं हो सकता। या तो दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद गाली गलौज से बढ़कर और कोई दूसरी घटना नहीं घट सकती। आपको हम पहले सुनाते हैं उक्त ऑडियो जिसपे गाली गलौज के बाद छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। पहले तो उसे हमने आपने सुना किस तरह से एक युवती और युवक गाली गलौज कर एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। ये ऑडियो अविनाश तिवारी और वर्षा सिंह के बीच हुए वाद विवाद का बताया जाता है, जिसके बाद युवती ने छेड़छाड़ का आरोप भी अविनाश तिवारी पर लगाया है। अब आइए सुनाते हैं अविनाश तिवारी की टीम की शैलू शर्मा को, जिन्होंने लाइव आकर इस मामले में सफाई दी। तो उसने ये बोला कि उसमें कि अश्लील मैसेजेस भेजते हैं और रीबा की उसमें कई उसमें हेडलाइन बनी थी कि रीबा की लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजा जाता है और ये सारी चीज़ें किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अश्लील मैसेजेस भेजे जाते हैं। इवन मेरे दोस्त तक को अश्लील मैसेजेस नहीं भेजे गए हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जो भी वर्षा ने एक और चीज़ बोली कि हम नहीं जानते हैं, हमें कुछ टाइम मिले हुए हैं फेस टू फेस और अननोन नंबर था वो जब फ़ोन आया हुआ था कि कौन क्या, तो बात यह है कि वर्षा उससे अविनाश से आप अब से क्या हो जाएगा, दो साल हो जाएगा। 2019 14 दिसंबर को पहली बार मेरी दोस्त मिली थी, तो हम लोगों ने साथ में वीडियो भी बनाया हुआ है, हम लोगों ने एक दो जगह पे मतलब ऐसे काम भी किया हुआ है। बाकी उसके अलावा गैदरिंग तो बहुत ही हुई है, हम लोग चित्रकूट भी साथ में गए थे, तो हम लोग लाइव गए हुए थे तो बनारस में, वहाँ से उन लोगों का मैटर एक्चुअली में स्टार्ट हुआ। तो गाली किसी एक ने नहीं दी है, गाली दोनों तरफ से हुई है। और सबसे पहले मेरी दोस्त ने जुलाई में अविनाश को अविनाश के सामने गाली दी थी, ये भी बात सही है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि हर कोई देख रहा है और हर कोई देखेगा आगे चल के ये लाइव। तो सबसे पहले मेरी दोस्त ने अविनाश को गाली दी थी, सामने पे दी थी, मुंह पे दी थी और बनारस में गाली दी थी। तो कुछ दिनों से क्या था कि मेरा थोड़ा सा एकदम से, मैं सारी गलती अपने ऊपर लेती हूँ, कहीं ना कहीं बात विवाद जो भी है तो मुझसे ही स्टार्ट हुआ है, तो मैं ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी होने लगी थी दूसरी चीज़ों में। देखा आपने, निश्चित तौर पर इन बघेली कलाकारों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। जो पहले गाली गलौज और फिर उसके बाद जिसके लिए गाली गलौज हुआ वही सोशल मीडिया में आकर सफाई देती है।
आइए अब आपको सुनाते हैं शिकायत करने वाली युवती के पक्ष में गाली गलौज करने वाले अभिषेक तिवारी और कान्हा मिश्रा के बीच हुई बहसबाजी का, जिसमें खुलेआम अविनाश तिवारी के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे में किस तरह से धमकी दी जा रही है। तो खा जितना रिकॉर्ड करे को तो रिकॉर्ड कर ले बेटा, आवाज है तय पोस्ट का की नहीं है। कौन बात कर रहा है? अभिषेक तो बाप बात कर रहे हैं, समझ में आवा तो खा समझ में नहीं आया कौन बात कर, नंबर सेम नहीं है, कल तक फोन लगा रहे, याद नहीं है नंबर किसका है। अच्छा अच्छा, वर्षा जी के पति बात कर रहे हैं आप अभिषेक जी, तस्वीर फोटोग्राफी से। अच्छा तुम्हारे हम इतना लात मारेंगे ना कान्हा शर्मा, तुम है कहाँ तुम बता दो, अभी तुम बताओ, अभी हम आ रहे हैं। तुम सुन, अगर पोस्ट डिलीट नहीं किया ठीक है ना, तो तुम ज्यादा हवा में उड़ रहे हो ना, रुक हम तुझे बताते हैं, रुक बताते हैं तुझे, रुक तो तू अभी रुक तुझे बताते हैं ठीक है, रुक तो 10 मिनट के अंदर तुम बता ही, तुम ये बता दो तुम हो कहाँ ठीक है, 10 मिनट तुम बता दो क्या कर लोगे तुम, कान्हा सर हम करेंगे क्या नहीं करेंगे, तुम बताओ ना तुम कहाँ हो, फिर हम बताते हैं क्या कर लोगे तुम, ठीक है हम बताते हैं ना तुमको। अब तो आप मामले की गंभीरता को समझ ही गए होंगे कि यह लड़ाई किसी राजनीति की नहीं बल्कि अविनाश तिवारी को मिल रही ख्याति और टीमों से अलग हुए लोगों के द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा है जो कभी भी गंभीर रूप ले सकती है। अब हम आपको एक और ऑडियो सुनाते हैं जिसमें विगत दिनों पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे मनोज सिंह के साथ की गई। उक्त ऑडियो भी उसी लड़की के हितैषी का बताया जा रहा है जिसके खिलाफ मनोज सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। नहीं सुना क्या? नहीं सुना, हमारा गाड़ी पहुंचे हुए तो गाड़ी तय में पैसा दे रहे गाड़ी माँ का दे रहे पैसा गाड़ी तय में पैसा दे रहे गाड़ी माँ पैसा नहीं लग रहा, पैसा तो एक रुपया नहीं लग रहा, तो ऐसा रुपया नहीं लगा तो पैसा लगा रहा ना खरीद तेरे पर कमाई वाला रहे। अरे तोरे पास ना तोरे नौकर भौती नल्ला का जाने रंग तेमी नल्ला हरामी है। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं जानते बना रात कहीं से भागे ठीक जान ठीक है, रात कहीं से भागे ठीक है ठीक है, रानू का है पूरा गाँव का गरियावा ला है तो हाँ ठीक है गरियावा देख तो अपन देख पागल का उसे भूखा खा तीन। अरे तो तमा गाड़ी पहुंचाओगे लात मार मुहर लात अच्छा चट के तो लाइन दे गाड़ी। हाँ यह चीज हम यह चीज थाने जिले वहाँ से हम गए कर दिया। हाँ सुना दे हाँ हाँ अजय सुना दे बिल्कुल सुना दे जा। हाँ 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 तोरे पास तो सुना दे खाई लाई तो ही तो कुछ देखा नहीं था गाय। हाँ देखा ला तो अपन देखो नहीं देखा ला हमको। अरे तो पूरे परिवार के मैं वहाँ हमको वहाँ है सब। हाँ ठीक है बोला भाई सुना तू सुनते ला है खाइए आए। हाँ अतः ना हो जब चोरी से भागे इमे मेरी भागी रात के हमारे गांव को भागी कौन में मेरी रात के ठीक भागन है तोरे गांव में भागी हो तो बताओ तोरे सीधी जिला भागी हो या कि बुढ़िया जिला बुढ़िया या गरीबा जिला भागी हो ये जीव न कर तू जब तक करते ला है ना मुँह से आवाज नहीं निकल ला गया समझे तोरे तक पावर रही है फोन लगा के चरचरा के चरचरा नहीं पावर तोरे पास है तब नहीं मैं काम करे ना। हाँ ठीक है करा ना कारण है भागे से तलाक कर दी हम तो घरे बताई आज। अरे अरे तोरे जैसा अरे तय ना लायक नंबर क्या है कुत्ता हरामी हमसे बात करते रहे काम हम कहा तो मिले ना। अरे तो ही बीस लात मारी तो ही बीस लात इतना तो ही अबे समझ में नहीं आवा लागा है। अरे मैं अभी सकल दिखाई ही हंड हेलो मान लेके आज ये जो शब्द बोलते रहे ना हाँ मान लेके से आप बोलते लागे हम जाने लागे शिवराज सिंह से बोली ला है बस वही क्या जा रहा। अरे तय आज भाई हम आज खड़े ला हैं रीवम तय आ जा 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 रीवम रीवम बस ही टेन मानते आ जाना ना हम आऊं ना तो हम तो मिले भन्ना। अरे तय जहां कहो तहां हम आज भाई मेहरिया तो लग के मार तुझे बड़ी मेहरी करी समाज पर तो मार समाज तो मेहरिया तय समाते ला है ना तय समाते ला है। पत्नी आरती सिंह इस बच्चे को लेके साथ में गहना जेवरात सब लेके गायब हो गए। कुछ दिनों बाद पता चला ये थोड़ा बहुत कम कंटेनिंग या कुछ भी वर्षा सिंह के संरक्षण में। तो देखा आपने किस तरह से बघेली बौछार की जगह गाली गलौज और धमकियों की बौछार हो रही है।
जो इन दिनों चर्चा का विषय भी बनी हुई है और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की झड़ी लगा रखी है। इन बघेली कलाकारों का यह विवाद कोई बड़ा रूप ना ले ले, इसके लिए पुलिस प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी ही होगी, जिससे कि यह उभरते कलाकार किसी बड़े दलदल में ना फंसे। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।